दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट से एक नया स्मार्टफोन परचेस करने के लिए प्लान कर रहे हैं ईएमआई पे और अगर आपके पास में ईएमआई कार्ड यानी अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आज की इस वीडियो आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एटीएम कार्ड या फिर आप अपने डेबिट कार्ड जो कि एटीएम कार्ड ही होता है, आप इससे फ्लिपकार्ट पे ईएमआई कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से बैंक यहां पर है जिनसे आप ईएमआई ले सकते हैं और फ्लिपकार्ट पे डेबिट कार्ड ईएमआई का ऑप्शन वापस आ चुका है, फिर से आ चुका है, फिर से यहां पर डेबिट कार्ड ईएमआई ले पाएंगे आपको विथ प्रूफ स्मार्टफोन पे ईएमआई का ऑप्शन जो है डेबिट कार्ड का दिखा के यहां पर सब कुछ बताने वाला हूं। उससे पहले यार, अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना फटाफट से। यहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन बैंक्स के बारे में जो कि फ्लिपकार्ट पे डेबिट कार्ड ईएमआई ऑफर कर रहे हैं और अगर आपके पास में इस बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप यहां पर डेबिट कार्ड ईएमआई बहुत ही आसानी से ले पाएंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको यह बता दूं कि डेबिट कार्ड ईएमआई वो लोग भी ले सकते हैं जिनके पास में क्रेडिट कार्ड नहीं है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्रेडिट कार्ड होना जरूरी या फिर नहीं है। भाई, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपको डेबिट कार्ड ईएमआई मिली है तो आप यहां पर डेबिट कार्ड से ईएमआई ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम डेबिट कार्ड से ईएमआई लेते हैं तो क्या हमें डाउन पेमेंट करना होगा? जी नहीं, बिल्कुल आपको डाउन पेमेंट नहीं करना होगा। डेबिट कार्ड ईएमआई से आप जीरो डाउन पेमेंट पे जो स्मार्टफोन है वो फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। अगला जो सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि फ्लिपकार्ट से अगर डेबिट कार्ड ईएमआई पे हम कोई नया स्मार्टफोन लेते हैं तो इंस्टेंटली उसी टाइम पे जिस टाइम हम ईएमआई करवा रहे हैं उस टाइम पे बैंक अकाउंट में उतना पैसा होना जरूरी है या फिर नहीं है? तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली है फिर भी आपको डेबिट कार्ड पे ईएमआई मिलेगी, लेकिन हाँ, जब आप उसका पैसा देना होगा तो फिर आपको समझना होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि काफी ज्यादा मुझसे पूछे जाते हैं फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड ईएमआई के बारे में। फटाफट से उन बैंक के बारे में बात कर लेते हैं जिन बैंक का अगर आपके पास में एटीएम कार्ड है तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड ईएमआई मिल जाएगा। सबसे पहला बैंक है एचडीएफसी। अगर आपके पास में एचडीएफसी का डेबिट कार्ड है तो उस पर आपको ईएमआई मिल जाएगी, एचडीएफसी ऑफर करता है। आईसीआईसीआई बैंक का अगर आपके पास में कार्ड है तो उस पर आपको डेबिट कार्ड ईएमआई मिल जाएगा। एक्सिस बैंक का कार्ड अगर आपके पास में है, एटीएम कार्ड है, तो उस पर आपको डेबिट कार्ड ईएमआई मिल जाएगी। एसबीआई बैंक का अगर आपके पास में डेबिट कार्ड है तो उस पर आपको ईएमआई मिल जाएगी, एसबीआई ऑफर करता है। उसके साथ में कोटक का अगर आपके पास में डेबिट कार्ड है तो उस पर आपको डायरेक्टली ईएमआई देखने को मिल जाएगी। लास्ट जो बैंक है वो है फेडरल बैंक। अगर आपके पास में फेडरल बैंक का भी डेबिट कार्ड है तो उस पर भी आपको डायरेक्टली जो ईएमआई है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ बैंक है जो कि डेबिट कार्ड ईएमआई ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को। अब यहां पर आपको डेबिट कार्ड ईएमआई अगर आपके पास में इन बैंक का कार्ड है और आज तक आपने इससे पहले कभी भी अपने कार्ड का यूज करके ईएमआई पे कोई नया स्मार्टफोन नहीं परचेस किया है तो सबसे पहले आपको अपने कार्ड पे ईएमआई को इनेबल करवाना होगा। इनेबल करवाने के लिए अगर आपके पास में एचडीएफसी का कार्ड है तो माई एचडीएफसी लिख करके 5676712 पे आपको एसएमएस कर देना है और उसके बाद में यहां पर आपको डायरेक्टली आपका बैंक आपको बता देगा कि आपको डेबिट कार्ड ईएमआई मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अगर आपके पास में आईसीआईसी बैंक का कार्ड है तो आपको डीसी ईएमआई स्पेस लिख करके अपने डेबिट कार्ड का फोर लास्ट नंबर, डेबिट कार्ड का जो फोर लास्ट डिजिट होता है वो डालना है और 5676766 पे आपको यहां पर इसको मैसेज कर देना है। उसके बाद में बैंक वाले आपको बताएंगे कि आपको आईसीआईसी बैंक का डेबिट कार्ड मिलेगा या फिर डेबिट कार्ड ईएमआई मिलेगी नहीं मिलेगी। एक्सिस बैंक वालों के लिए डीसी ईएमआई, उसके बाद में आपका चार डिजिट आपके कार्ड डेबिट कार्ड का नंबर 5616160 पे भेज देना है। एसबीआई वालों के लिए डायरेक्टली डीसी ईएमआई लिख करके 5676766 पे भेज दो। कोटक वालों के लिए डीसी ईएमआई अपने कार्ड का लास्ट चार डिजिट नंबर और यहां पर 5676788 इस पे आपको भेजना है। तो इस तरीके से आप अपने बैंक को मैसेज करेंगे, उधर से बैंक आपको बताएगा कि आपको डेबिट कार्ड ईएमआई मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। हाँ, आपको कोई ओटीपी वगैरह इस टाइप की कोई भी चीजें नहीं बतानी है, ना ही अपना कोई कार्ड नंबर वगैरह बताना है, इस टाइप की कोई भी चीजें आपको शेयर नहीं करनी है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप यहां पर अपने कार्ड की डिटेल चेक कर लेना। अगर आपको डेबिट कार्ड ईएमआई वहां से मिल जाती है तो फिर कैसे खरीदते हैं फ्लिपकार्ट पे डेबिट कार्ड से ईएमआई पर कोई भी स्मार्टफोन, वो मैं चल के अभी फटाफट आपको बता देता हूं। अब जैसे हम एक नया स्मार्टफोन यहां पर देखने वाले हैं और एक नया स्मार्टफोन, बेसिकली मैं स्मार्टफोन को टारगेट कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे नया
स्मार्टफोन खरीदने के लिए ही बोलते हैं कि भाई मुझे नया स्मार्टफोन लेना है, डेबिट कार्ड से लेना है, ईएमआई पे हमारे पास में क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो उसका कुछ जुगाड़ बताओ। तो फटाफट मैं एक स्मार्टफोन यहाँ पर सर्च करता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं रेडमी 12 सर्च करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें रेडमी 12 जो स्मार्टफोन है उसको लेना है, तो मैं रेडमी 12 सर्च कर लिया। अब यहाँ पर इस स्मार्टफोन को परचेस करना है आपको डेबिट कार्ड से ईएमआई के थ्रू। तो फटाफट हम यहाँ पर इस स्मार्टफोन को ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको इसका कौन सा कलर लेना है, कौन सा रैम वेरिएंट, कौन सी आपको स्टोरेज वेरिएंट लेनी है, वो सब कुछ आपको फटाफट से सेलेक्ट कर लेना है। सारी डिटेल आपको देख लेनी है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो इसकी क्या प्राइस है, कितने का पड़ रहा है, क्या ऑफर्स है, वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब फटाफट से हम यहाँ पर इसको बाय नाउ पे कर देंगे क्लिक। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस टाइप का जो एक डिटेल पेज है वो खुलकर के आ जाएगा, जहां पर आपके प्राइस आपको दिख जाएगा, आपको डिस्काउंट इतना मिल रहा है, डिलीवरी चार्ज फ्री है, सिक्योर पैकिंग के नाम पे 49 रुपीज, टोटल अमाउंट आपका 13,944 आपको मिल रहा है, ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है। अब हम फिलहाल कर देंगे कंटिन्यू पे क्लिक। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। अब यहीं पर आपको ईएमआई चूज करनी है। अब देखिए यहां पर ऊपर ही सबसे पहले ये बता रहे हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई ऑन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, यानी यहां पे अगर आपके पास में क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड है तो उस पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई अभी फ्लिपकार्ट पे दी जा रही है। यह ऑफर डेबिट कार्ड वाला हट गया था, लेकिन अभी वापस से फ्लिपकार्ट ने इस ऑफर को ला दिया है। और अगर आपके पास में अप्रूव्ड डेबिट कार्ड है जिसपे आपको ईएमआई मिलने वाली है या फिर मिलेगी, तो यहां पर आप उसका यूज करके नो कॉस्ट ईएमआई, बिना इंटरेस्ट के आप यहां पर ईएमआई ले सकते हैं। और यहां पर आप अपना जो स्मार्टफोन उसको ईएमआई पे बिना क्रेडिट कार्ड के खरीद सकते हैं। फिलहाल हम कर देंगे व्यू ऑफर पे क्लिक। देखिए जैसे ही हम व्यू ऑफर पे क्लिक किए, हमारे सामने दो ऑफर है। सबसे पहले फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास में है तो हमें 5% का कैशबैक मिलेगा। दूसरा पार्टनर ऑफर है, नो कॉस्ट ईएमआई एंड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। इस पे डेबिट कार्ड पे भी आपको ऑफर मिलने वाला है। देखिए यहां पर पूरी डिटेल हमारे सामने देखने को मिल गई। तो कुछ इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड ईएमआई का जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली हमारे पास में अब आ चुका है, और डेबिट कार्ड ईएमआई से भी आप यहां पर कोई भी नया स्मार्टफोन जो है वो खरीद सकते हैं। अब फिलहाल हमें परचेस करने के लिए ईएमआई पे क्लिक कर देना होगा। ईएमआई पे क्लिक करने के बाद में हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हमें अपनी कार्ड की सब कुछ डिटेल डाल देनी है। अगर आपके पास में अप्रूव कार्ड है तो उसकी डिटेल आप डाल देना, अपना कितने दिन महीने के लिए आपको लेना है, साल भर के लिए, दो साल के लिए, बाकी वो तो आपको खुद को ही पता है। अगर आपके पास में कार्ड है, आप ले रहे हैं, तो आपको पता है कि कैसे क्या करना है। तो भाई इस तरीके से आप यहां पे डेबिट कार्ड से ईएमआई पे एक नया स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप अपने कार्ड को पहले पता करो कि आपके कार्ड पे ईएमआई है कि नहीं है। उससे उसमें आप बैंक भी जा सकते हो, अपने कार्ड की डिटेल चेक करवा सकते हो। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि सिर्फ Redmi 12 स्मार्टफोन पे हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिसपे हमें डायरेक्टली डेबिट कार्ड ईएमआई देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी वीवो के V29 Pro स्मार्टफोन को देख लेता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करूंगा। इसके फिलहाल हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए इस स्मार्टफोन पे भी हमें डेबिट कार्ड ईएमआई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। नो कॉस्ट ईएमआई एंड क्रेडिट एंड ऑन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, यानी क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे हमें नो कॉस्ट ईएमआई इस स्मार्टफोन पे भी देखने को मिल रही है। तो जाओ फटाफट से, और यहां पर अगर आपके पास में डेबिट कार्ड है तो उस पे ईएमआई वगैरह आपको मिल रही है, तो जाकर के स्मार्टफोन को डेबिट कार्ड पे परचेस कर लो ईएमआई पे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कैसे लेना है, क्या डिटेल है, आप कहोगे तो अगली वीडियो में मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं कि कैसे यहाँ पर डेबिट कार्ड से ईएमआई पे कोई एक नया स्मार्टफोन जो है वो परचेस करते हैं। अब अगर आपका कोई और सवाल है, आपका कोई कन्फ्यूजन है, तो हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों ये था उस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना।